आपके साथ मैं दीपिका सिंह। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ निदा अहमद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और जो कि जुड़ी हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। रोजगार मेले के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10,00,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल यानी कि आज पीएम रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। ये नियुक्तियां देश के विभिन्न मंत्रालयों में होंगी। ये भी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 10,00,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। पीएमओ ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, और इस अवसर पर पीएम मोदी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। तो केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से साल 2022 में रोजगार मेले की शुरुआत की थी। रोजगार मेला रोजगार सृजन और सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। तो आज पीएम मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10,00,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो मोदी आज जब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि बेरोजगारी भी एक मुद्दे में शामिल है विपक्ष के, तो ऐसे में अगर एक साथ 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, 10,00,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य, तो कहीं ना कहीं जो लोग लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं कहते हैं, तो उन्हें भी एक मैसेज जाएगा कि सरकार की तरफ से नौकरियों के लिए खासतौर पर युवाओं के लिए सोचा जा रहा है, उन्हें नौकरियां दी जा रही हैं। तो बिल्कुल युवाओं के लिए खास मौका भी होगा, क्योंकि 71,00,000 जो युवा हैं वो अब रोजगार से भरे हुए होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। इसी के मद्देनजर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब इलेक्शन जो है लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, उसी के मद्देनजर काम हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनकी कोशिश यही रहती है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के हित में वो काम करें। इसी के मद्देनजर आज एक रोजगार मेले का आयोजन कर तमाम बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। तो रोजगार मेले का आयोजन है, जिसके तहत आपको बता दें कि 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नियुक्ति पत्र देंगे, और 10:30 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है, यानी 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को ये नियुक्ति पत्र देंगे। और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे। बैठक में कई आला अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। तो सरकार ने संसद को सूचित किया था कि 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद से जुलाई 2022 तक जम्मू कश्मीर में 5 कश्मीरी पंडितों, 16 अन्य हिंदुओं और सिखों सहित 118 नागरिक मारे गए। मई में जम्मू में कटरा के पास बम में आग लगने से 4 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और कम से कम 20 लोग घायल हुए थे। आपको बताने का अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता आज करने वाले हैं, और जिसके तहत देखना होगा कि उसमें तमाम लोग जब मौजूद रहेंगे, तो बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे। एक बैठक में कई आला अधिकारी जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो आज सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करने वाले हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, और हर लिहाज से बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद का जो खतरा जम्मू कश्मीर पे लगातार मंडरा रहा था, कहा यह भी जा रहा है कि पहले से जो आतंकवादी हैं चाहे वो सीमा पार के हों चाहे वो लोकल हों, वो आतंकवादियों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन सुरक्षा और भी चाक चौबंद होने चाहिए जिससे विपक्ष को मौका ना मिल पाए। इसी के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, तो सिलसिलेवार तरीके से अभी मेरी सहयोगी दीपिका ने आपको बताया कि मई में कितने मामले सामने आए, उसके बाद लगातार मामले जो थे वो सामने आ रहे हैं, और किस तरीके से तीर्थयात्रियों की बस को ही निशाना बनाया गया था, 4 तीर्थयात्रियों की मौत भी हो गई थी।
तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और कैसे दुरुस्त की जाए, सुरक्षा व्यवस्था और कैसे चाक चौबंद की जाए, इसको लेकर गृह मंत्री की नजर लगातार जम्मू कश्मीर के हालातों पर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद की पेशी की। जी हाँ, आज सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद की पेशी होनी है। अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें आज सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद की पेशी होगी। अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी की जा रही है। अतीक के छोटे भाई अशरफ की भी आज पेशी होनी है। दोनों माफियाओं के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। तो साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद लगभग 5:56 पर नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा था। और साथ ही साथ बता दें कि अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजरात से प्रयागराज लाया गया है। अब माफिया अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और वहीं उसका छोटा भाई मोहम्मद अशरफ भी बरेली जेल से लाया गया है। और बीते 15 दिन में साबरमती जेल से अतीक अहमद को दूसरी बार प्रयागराज लाया गया है। तो अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पा चुके माफिया अतीक अहमद को अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूरी रिमांड पर लेने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इधर अतीक अहमद और मोहम्मद अशरफ की अधिवक्ता जो है उमेश पाल हत्याकांड में आज सीजीएम कोर्ट पे पेश किया जाएगा। वहां से दोनों माफियाओं के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में अभी माफिया बंधुओं से पूछताछ जो है वो नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस को जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें अतीक अहमद और अशरफ ने ही जेल के अंदर रहते हुए इस सनसनीखेज घटना की साजिश रची थी। रिमांड मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर पुलिस दोनों भाइयों को आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ कर सकती है। और बिल्कुल इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि रिमांड लेकर माफिया बंधुओं के जरिए पुलिस फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे असद, शूटर गुलाम मोहम्मद, गुट्टू मुस्लिम, साबिर और अरमान तक पहुंचना चाहेगी। और इसी के लिए पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में माफिया उसके भाई को साबरमती बरेली जेल से प्रयागराज में आई है। आज आपको बता दें सीजीएम कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा और रिमांड अर्जी दाखिल की जानी है। और साथ ही साथ कल सीजीएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की होनी थी पेशी, लेकिन क्योंकि जो अतीक था वो कल दोपहर पहुंचने वाला था प्रयागराज, लेकिन वक्त लग गया क्योंकि लंबा सफर था, 1300 किलोमीटर का लंबा सफर था, तो पहुंचते पहुंचते कल शाम हो गई, लिहाजा आज अतीक और अशरफ की पेशी होने जा रही है। सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। अतीक अहमद की 12 अप्रैल को कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी थी, समय से नहीं पहुंचने के चलते सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। तो भारी सुरक्षा के मद्देनजर अतीक को लाया गया था, उसके भाई को भी अब नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल रखा गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज पेशी होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर बैठक होनी है। सुबह लगभग 10:30 सचिन पायलट के मुद्दे पर यह बैठक होगी। बैठक में राजस्थान के तमाम प्रभारी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर अहम बैठक सुबह 10:30। आपको बता दें कि सचिन पायलट का मुद्दा जो है वो लगातार कांग्रेस के लिए एक मसला अब बन चुका है, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरीके से वो अनशन पर बैठे, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आपको बता दें कि कई गंभीर आरोप जो थे वो लगाए, क्योंकि 4.5 साल के वक्त में जो भी भ्रष्टाचार हुआ राजस्थान के अंदर, उसका सारा ठीकरा जो था उन्होंने वो अपनी ही सरकार पर, अपनी ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि कहने के बावजूद हम जब सरकार में आए थे तो हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, लेकिन जब हमारी सरकार बन गई, हम सरकार में आ गए, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, यानी कि कोई भी जांच जो थी वो नहीं किया। हालांकि कांग्रेस लगातार इसे नकार रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी कहा या जो भी कुछ किया सचिन पायलट ने, वो पार्टी गतिविधि में जो था वो शामिल नहीं था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि कहा, बहुत कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद सचिन पायलट को इसकी सजा मिल सकती है, क्योंकि सचिन पायलट ने ये कदम अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बुजुर्गों को लेकर बीजेपी ने बड़ा अभियान चलाया है। जी हाँ, दिल्ली में बीजेपी बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा कराएगी। आज प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव जो है वो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बुजुर्गों को लेकर बीजेपी का ये बड़ा अभियान, तो बीजेपी अभियान सहयोगी स्वयं सेवी संस्था के साथ चलाएगी। तो बड़ी बात आपको बता दें कि आज बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज से अब वो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये भी बता दें बीजेपी अभियान सहयोगी स्वयंसेवी संस्था के साथ इस अभियान को चलाने जा रही है, जो कि बुजुर्गों के लिए काफी अच्छी योजना मानी जा रही है। बिल्कुल, तो अगर कोई बुजुर्ग है और वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब से पहले अगर आप जाना चाहते थे तो आपको अपने पैसे के खर्च पर जाना होता था, लेकिन अब अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका ये सफर बिल्कुल मुफ्त कराएगी। और बीजेपी इसके तहत बाकायदा एक अभियान जो है वो चलाने जा रही है। तो ऐसे में जो भी बुजुर्ग जाना चाहते हैं, और इस अभियान के पीछे दरअसल मकसद ये है कि कैसे बुजुर्गों को इस की जानकारी साझा की जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं, आप कब कब जा सकते हैं, अगर आपको जाना है तो किस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है उसे आपको कैसे
फॉलो करना होगा। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज बस्तर के दौरे पर प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। बस्तर में भरोसा सम्मेलन में वे शामिल होंगी, तो लालबाग मैदान में प्रियंका जनता को इस बीच संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। बिल्कुल, नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी शामिल रहने को कहा गया है। तो बस्तर में भरोसा सम्मेलन है जिसमें आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शामिल होंगी, शिरकत करेंगी। और इस बीच लाल बाग मैदान में प्रियंका जनता को भी संबोधित करेंगी। जनता को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो पहुंचेंगे, साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता है उनको भी शामिल रहने के निर्देश कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए। तो बस्तर में भरोसा सम्मेलन है जिसमें आज प्रियंका गांधी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार ही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भूपेश बघेल वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू होते हैं, काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। इसी के मद्देनजर आपको ये भी बता दें कि अब चूंकि चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, इसी को लेकर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कवायद में प्रियंका गांधी जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए और अब बात जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर में दूसरी W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है वो होने जा रही है। G20 संगठन के 18 देशों के 120 महिला नेता जो है वो अपने विचार इसमें रखेंगी। तो जयपुर में दूसरी W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है, अपने विचार रखे जाएंगे इसमें, जो महिला नेता है वो अपने विचार इसमें रख पाएंगे। बिल्कुल, W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक दो दिन के लिए जयपुर में होनी है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा। जयपुर में ये दूसरी बैठक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है। बिल्कुल, तो इसके तहत दरअसल जो इस बैठक का मकसद है वो सबसे ज्यादा ये है कि जो महिलाएं अपने विचार नहीं रख पाती हैं, जिनके बाद आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ये बैठक जो है वो माध्यम है जिसके तहत आप अगर महिला कुछ भी बात अपनी रखना चाहती हैं तो आप इस बैठक का हिस्सा बनिए, इस बैठक में आइए। जयपुर में दो दिन की बैठक होने जा रही है जिसके तहत वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल, मिलाकर देखा जाए कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर होगी। अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हैं। आज हरिहरपुर गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। तो शाम 4 बजे विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत करने जा रही हैं। बिल्कुल, तो आज हरिहरपुर गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी और साथ ही साथ बता दें कि शाम 4 बजे एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। तो अहम खबर, अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जब वो अपने इस दौरे के दौरान उनका जो कार्यक्रम है वो है आज हरिहरपुर गाँव में वो पहुंचेंगी, जहाँ पर शोक संवेदना वो अपनी व्यक्त करेंगे और शाम 4 बजे एक विद्यालय का वार्षिक उत्सव है और वो समारोह में शामिल होंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से राजस्थान से अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान को पहली वंदे भारत मिल गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चुनावी साल में पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ा तोहफा देते हुए गहलोत पर तंज भी कसा। तो पीएम ने यह भी कहा कि गहलोत जी राजनीतिक संकट में है, फिर भी वे यहां आए। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री गहलोत से कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी राजस्थान से और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी भी आपके ही राज्य से हैं, लिहाजा आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। वहीं गहलोत ने बिना देरी किए पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। चुनावी साल में राजस्थान को बड़ा तोहफा, राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। पीएम ने दिखाई हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी। ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार, शुरू हुई सियासत अपार। राजस्थान को चुनावी साल में पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन जयपुर के लिए सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना हुई। दरअसल ये वंदे भारत दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच चलेगी और बीच में इसका स्टॉपेज जयपुर भी है। वंदे भारत इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है जिससे दिल्ली से अजमेर जाने में महज केवल 5 घंटे 15 मिनट लगेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस वंदे भारत ट्रेन से जयपुर से दिल्ली आना जाना और भी आसान हो जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन के बहाने हाई वोल्टेज सियासत।
पीएम मोदी ने हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। वहीं इसके साथ ही सियासत के ट्रैक पर पीएम मोदी और गहलोत में बयानों के बार में भी तेजी दिखाई दी। दरअसल पीएम मोदी ने इस दौरान करीब 18 मिनट तक भाषण दिया। आखिरी के 2 मिनट में राजस्थान कांग्रेस में चल रही तनातनी का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी ने गहलोत का आभार व्यक्त किया और कहा कि राजस्थान में सियासी घमासान के बीच गहलोत जी संकट के समय में समय निकाले और रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लिए। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। पीएम मोदी और गहलोत में जुबानी जंग। दरअसल सचिन पायलट ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था। आज वे दिल्ली में राहुल प्रियंका समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी सरकार के समय हुए करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। अनशन के बाद पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पीएम इस सियासी घमासान को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, लिहाजा उन्होंने तंज कसा। पीएम इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत से कहा कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। इतने पर पीएम मोदी पर गहलोत ने पलटवार किया। मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। वंदे भारत से टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को रवाना करते हुए कहा कि मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। यह ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत मदद देगी। जब से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तब से करीब 60 लाख लोग इस ट्रेन में सफर कर चुके हैं। इस ट्रेन के जरिए लोगों का समय भी बच रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना को मजबूती दे रही है। वंदे भारत की टाइमिंग और रूट। दरअसल वंदे भारत ट्रेन की दिल्ली से रवाना होने से पहले सुबह करीब 10 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर जंक्शन पहुंचे। जयपुर जंक्शन पर रेल मंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कांग्रेस बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। 13 अप्रैल यानी कि गुरुवार से ट्रेन चलेगी। पश्चिमी रेलवे के मुताबिक 20977 अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होकर दिल्ली कैंट 11:35 पर पहुंचेगी। बीच में जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। जयपुर में 5 मिनट, अजमेर गुड़गांव में 2-2 मिनट का स्टॉपेज है। दिल्ली से जयपुर जाने में ट्रेन महज केवल 4 घंटे का समय लगेगी। आज पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर देशवासियों में गजब का उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान की जनता को सेकंड जनरेशन की उन्नत वंदे भारत ट्रेन दी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये वंदे भारत राजस्थान की पहली है और देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया। जहां 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। आपको राजस्थान के हरेक व्यक्ति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है।
ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुंमुखी विकास भी शामिल है, चाहे ट्रैक हो, गेज कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो या वंदे भारत ट्रेन, सभी दिशाओं में तेजी से काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। अजमेर से चलकर जयपुर सुबह 7:50 पर पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद 7:55 पर रवाना होकर अलवर 9:35 पर पहुंचेगी। यहां 2 मिनट का ठहराव दिया गया। 9:37 पर यहां से चलकर गुरुग्राम 11:15 पर यहां पहुंचेगी। यहां भी 2 मिनट का ठहराव दिया गया। 11:17 पर गुड़गांव से रवाना होकर दिल्ली कैंट 11:35 पर पहुंचेगी। किन किन रूट्स पर चलती है वंदे भारत ट्रेन? दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ देश की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जनवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके बाद यह अत्याधुनिक ट्रेन नई दिल्ली, वैष्णो देवी, गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली अंदौरा, चेन्नई, मैसूर, नागपुर, बिलासपुर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद, मुंबई, साईनगर, शिरडी, मुंबई, सोलापुर और भोपाल, दिल्ली की भी शुरू की गई। इसके अलावा पिछले सप्ताह से चेन्नई, कोयंबटूर और सिकंदराबाद, तिरुपति के बीच भी ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। भले ही वंदे भारत ट्रेन पर सियासत हो रही है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन से देश को नई रफ्तार मिली है। देशवासियों के सफर आसान हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए इसी बीच एक खबर ले रहे हैं एमपी से। एमपी के सागर से खबर है, जहां मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। हादसा सागर जिले के गढ़ा कोटा के पास हुआ है। नारायण त्रिपाठी को मामूली चोट फिलहाल आई है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। तो सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं नारायण त्रिपाठी, लेकिन मामूली चोटें उनको बताई जा रही हैं। सागर जिले के गढ़ा कोटा के पास ये हादसा हुआ था। इसके अलावा बाल बाल बच गए हैं मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी, इनके साथ और भी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी लोग सुरक्षित फिलहाल बताए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि इस हादसे में उनको भी मामूली चोटें आई हैं। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की अब हम बात कर लेते हैं। यूपी के बुलंदशहर में एडवोकेट देवेंद्र शर्मा की मां का निधन हो गया। देवेंद्र शर्मा की मां के निधन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शोक संदेश भेजा है। तो आपको बता दें कि तेजपाल शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा के अलावा जिलाध्यक्ष राकेश भाटी ने प्रियंका गांधी का शोक संदेश सौंपा है। नगर के निजी गेस्ट हाउस में त्रयोदशी संस्कार में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल हुए। एडवोकेट देवेंद्र शर्मा की मां का निधन हो गया। प्रियंका गांधी ने शोक संदेश भेजा है। ये हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी, उनकी माता जी का देहांत हुआ है और हमने ये खबर अपनी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को जैसे ही पहुंचाई तो उन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया और देवेंद्र शर्मा जी के लिए शोक संदेश भेजा, जिसको हमने पढ़ के यहाँ सुना। तो एडवोकेट देवेंद्र शर्मा की मां के निधन में तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। मुझे और दीपिका को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।